हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दैनिक रोजगार समाचार 11 जून के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी रोजगार से संबंधित खबरें हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है हर साल 16 लाख नौकरियों का लक्ष्य है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नियुक्तियों की संभावनाएँ विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा धरातल पर उतारे गए कार्यक्रमों को केंद्र सरकार देश भर में लागू कर रही है। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कहा है क्योंकि कल देखिए एसजीपीजीआई में नवचयनित 1442 स्टाफ नर्सों के नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ये बातें कही थी। ठीक है, इन्होंने और जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि देखिए, एक तो 2017 से 22 पिछली सरकार का अभी डाटा ये बता रहे हैं यहाँ पर कि लोक सेवा आयोग में 40,730 इन्होंने वैकेंसी पूरी की हैं। यूपी ट्रिपल एससी में 19,800, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में 5,185, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में 33,000 के आसपास, विद्युत सेवा आयोग में 7,900 के आसपास, पुलिस भर्ती बोर्ड में 1.5 लाख के आसपास, 1,53,000। बेसिक शिक्षा विभाग, देखिए पुलिस की जो दो भर्तियाँ आई थी वो यहाँ पे दिखाई है इन्होंने, अब पता नहीं 1.5 लाख कैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, हो सकता हूँ। ठीक है, इसमें दरोगा भर्ती भी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की जो 68,069,000 आई थी वो दिखाई थी। ठीक है, कुल यहाँ पे 3,81,754 दिखा रहे हैं 2017 से 22 तक। अब 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इन्होंने जो कहा है कि लोक सेवा आयोग में जो भर्तियाँ होंगी वो होंगी 4,500। ठीक है, 2022 तो निकल ही चुका है, 23 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो ऐसी हैं ये बता रहे हैं कि 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ये वैकेंसी पूरी कराई जाएंगी। ठीक, तो इसमें कुछ तो पूरी हो चुकी होंगी, जैसे यूपी ट्रिपल एस में 20,060, ये पता नहीं कितनी इसमें पूरी होगी, कितनी आने को हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 900 के आसपास, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद यहाँ पर 4,795 के आसपास, विद्युत सेवा आयोग के में 255, पुलिस भर्ती बोर्ड में 41,028। अब ये जो पुलिस भर्ती बोर्ड लिखा है 41,028, इसमें देखिए उम्मीद है कि एक नई पुलिस की भर्ती, सिपाही की भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग चैनल पे जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं वो ये भी पूछ सकते हैं क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी, क्या वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसमें यही है कि अभी तो पहले तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही कोई चीज़ स्पष्ट होगी कि भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, तो उसके बारे में अभी कोई बात करना बेकार है क्योंकि जब ये चीज़ स्पष्ट है कि जो नई भर्ती आएगी वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आएगी। ठीक है, जब तक वो नहीं बनता तब तक कोई मतलब नहीं बनता उसकी बात करने का। ठीक है, तो पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही उसके बारे में चीज़ें निकल के सामने आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।